हॉलीवुड थ्रिलर स्क्रीन प्रेजेंटिंग आउटसाइड। आउटसाइड एक फिलिपिनी पोस्ट एपोकलिप्टिक हॉरर ड्रामा फिल्म है जिसमें हमें एक फैमिली के स्ट्रगल को दिखाया गया है। ये मूवी भी दूसरी जॉम्बी मूवीज की तरह ही एक सर्वाइवल ड्रामा है, लेकिन इसकी सिनेमेटोग्राफी और स्टोरी टेलिंग इसको थोड़ा सा उनसे डिफरेंट और बेटर बना देती है। इस फिल्म में हम एक फैमिली को देखते हैं जो जॉम्बी आउटब्रेक के बाद अपने पेरेंट्स के घर वापस जा रहे हैं। उम्मीद बस इतनी है कि शायद ये लोग वहाँ पर इस आउटब्रेक में जिंदा बच सकते हैं। अच्छा, इससे पहले मैं कहानी को आगे बढ़ाऊं, मैं आपको इस फैमिली से इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। इस फैमिली में फ्रांसिस, आयरिस और इन दोनों के बेटे जॉश और लूकस हैं, जो शहर से बाहर अपने पेरेंट्स के घर पहुँच गए हैं। यहाँ पहुँच कर फ्रांसिस सबसे पहले पूरे घर को चेक करता है। बेसिकली वो दो चीज चेक करना चाह रही थी, एक तो ये कि शायद उसके पेरेंट्स जिंदा हो, जबकि दूसरा वो ये एंश्योर करना चाहते थे कि कहीं इस घर में कोई जॉम्बी ना हो जिससे उसकी फैमिली को कोई खतरा हो। जहां फ्रांसिस को घर के एक बेडरूम में उसके डैड की लाश मिलती है जिन्होंने जॉम्बी बाइट के बाद खुद को गोली मार दी थी। फ्रांसिस के लिए अपने डैड को ऐसे देखना बहुत मुश्किल था, इसीलिए वो उनकी गन लेकर बेडरूम से बाहर आ जाता है, जहां उसको उसकी इन्फेक्टेड मॉम मिलती है जो बार बार बस सॉरी ही बोले जा रही थी। अच्छा, यहाँ पर हमें एक बहुत ही अजीब चीज देखने के लिए मिलती है कि जो इस मूवी में ज़ॉम्बीज हैं, वो पूरी तरह से डेड हैं, लेकिन उनके सेंसेस अभी भी जिंदा हैं। जहाँ आगे हम देखते हैं कि ये पूरी फैमिली अपने इस घर को सेव करने में लग जाती है, क्योंकि शायद ये घर ही इन सब की अब आखिरी उम्मीद है। ये अपने इस घर के बैकयार्ड में बने आउट हाउस में जाते हैं, जहाँ फ्रांसिस मिस्टर ऑर्ली को आवाज लगाता है, जिस पर जोशुआ, जो फ्रांसिस का बेटा है, उससे पूछता है कि मिस्टर ऑर्ली कौन है। फ्रांसिस बताता है कि मिस्टर ऑर्ली इस जगह के केयर टेकर है, लेकिन जैसे ही ये दोनों उस आउट हाउस के अंदर जाते हैं, इन्हें वहाँ पर मिस्टर ऑर्ली की लाश मिलती है, जिससे जॉश डर जाता है। उधर आयरिस फ्रांसिस को एक रूम में लेकर जाती है जहाँ पर एक पुराना जनरेटर रखा होता है, जिस रूम में जाकर फ्रांसिस घबराने लगता है। ऐसा लगता है कि उस रूम में कुछ तो ऐसा हुआ है जो फ्रांसिस से जुड़ा हुआ है। जहाँ कहानी में आगे अब हम देखते हैं कि अब इन सब के पास सबसे बड़ा सर्वाइवल चैलेंज ये है कि इनको कैसे भी करके डेली खाने का इंतजाम करना है। इसलिए आयरिस फ्रांसिस से बोलती है कि हमको यहाँ रुकने के बजाय नॉर्थ की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि बार बार रेडियो पर भी यही अनाउंस हो रहा है कि वो जगह सेफ है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले फ्रांसिस श्योर होना चाहता था कि वो अपनी फैमिली को किसी भी खतरे में नहीं डाले, इसलिए फ्रांसिस आयरिस और जॉश को फिलहाल कहीं पर भी जाने से मना कर देता है। फ्रांसिस जानता था कि ऐसा करके वो अपनी फैमिली से दूर हो रहा है, लेकिन वो करता भी क्या, क्योंकि उसको अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट जो करना था। जहां आगे अब हम फ्रांसिस को एक नाइटमेयर देखते हुए देखते हैं, जिसमें उसके डैड उसे किसी रूम में बंद कर देते हैं। और अब इससे पहले कि हमको उस रूम के बारे में और कुछ पता चलता, उससे पहले ही फ्रांसिस की आंखें खुल जाती हैं। नेक्स्ट डे आयरिस एक बार फिर से फ्रांसिस से इस घर से जाने की बात करती। वो बोलती है कि तुम्हारी हालत इस घर में क्या है मैं देख चुकी हूँ, और हमें तुम्हारे और अपने परिवार के लिए इस घर से दूर चले जाना चाहिए। लेकिन फ्रांसिस के हिसाब से ये घर अभी भी उसकी फैमिली के लिए सेफ है, फिर भले ही पास्ट में उसके साथ यहाँ पर कुछ भी क्यों ना हुआ हो, अभी उसकी पहली प्रायोरिटी उसकी फैमिली है। पर फाइनली आयरिस फ्रांसिस को नॉर्थ जाने के लिए मना लेती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि फ्रांसिस अपनी फैमिली को लेकर नॉर्थ जाने के लिए निकल जाता है। और वही रास्ते में इन सब की कॉन्वर्सेशन होने लगती है, जिस कॉन्वर्सेशन में जॉश फ्रांसिस को बताता है कि हम वहाँ पर सेफ रहेंगे पापा, क्योंकि डियागो अंकल ने भी माँ से नॉर्थ जाने के लिए कहा था, जिस पर फ्रांसिस थोड़ा अमेज्ड फील करता है। वो जॉश से पूछता है कि तुमको कैसे पता कि डियागो ने आयरिस से ये कहा है, जिस पर जॉश उसको बताता है कि जब हम घर से निकल रहे थे तब मैंने मॉम को डियागो अंकल से बात करते हुए सुना था। अब यहाँ सिचुएशन को देखकर ये तो मालूम हो जाता है कि डियागो की वजह से आयरिस और फ्रांसिस के रिश्ते में दरार आ रही है। जहाँ आगे अब हम देखते हैं कि जिस रास्ते पर ये लोग आगे बढ़ रहे थे उसे एक फेंस के थ्रू ब्लॉक किया गया था। फ्रांसिस आयरिस को समझाता है कि जरूर यहाँ इस फेंस की कोई ना कोई वजह है, लेकिन आयरिस उसको हटाकर आगे बढ़ने के लिए इंसिस्ट करती रहती है। आयरिस उस फेंस को खुद हटाने की कोशिश करती है, क्योंकि वो नॉर्थ जाने के लिए उतावली हो रही थी। वो उस फेंस को हटाई रही होती है कि तभी हम वहाँ पर एक जोम्बी को देखते हैं जो आयरिस के ऊपर अटैक कर देता है,
लेकिन समय रहते ही फ्रांसिस उनको बचा लेता है। पर खतरा अभी टला नहीं होता है क्योंकि अचानक से बहुत सारे ज़ॉम्बीज इनकी वैन के ऊपर हमला कर देते हैं। फ्रांसिस सभी ज़ॉम्बीज को डिस्ट्रैक्ट करता है जिससे उसकी फैमिली वहां से निकल जाए, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए खुद उन ज़ॉम्बीज के बीच में फंस जाता है जिनसे पीछा छुड़ाने के लिए वो हैंड ग्रेनेड का इस्तेमाल करता है। वो सारे ज़ॉम्बीज मारे जाते हैं और ये सब एक बार फिर से उसी अपने पेरेंट्स वाले घर में वापस आ जाते हैं, जिसके बाद हम इन सबको इस घर में एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए देखते हैं। लेकिन आयरिस अभी भी फ्रांसिस से बहुत ज्यादा खुश नहीं थी। ऐसा लग रहा है जैसे इन दोनों के बीच अब प्यार खत्म हो गया है, लेकिन फिर भी ये दोनों अपने रिश्ते को, अपने बच्चों को और फैमिली को सेफ रखने की कोशिश कर रहे हैं, जहां आगे अब हम फ्रांसिस और आयरिस को इंटीमेट होते हुए भी देखते हैं। लेकिन अभी भी इन सब के बीच में एक बात को लेकर डिफरेंस है, जो बात ये थी कि इनको नॉर्थ की तरफ निकलना चाहिए। फ्रांसिस आयरिस और जॉश को समझाता है कि तुम भूल गए हो क्या हमारे साथ ब्रिज पर क्या हुआ है, लेकिन फिर भी जॉश अपने डैड से नॉर्थ की तरफ जाने की जिद करता रहता है, जिस बात से इरिटेट होकर फ्रांसिस जॉश को बताता है कि मैं तुम सबको बचाने के लिए बहुत कुछ कर रहा हूँ और जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो मुझको शिकार भी करना आता था, क्या तुम शिकार कर सकते हो, किसी की जान ले सकते हो, जिस पर जॉश भी हाँ में जवाब देता है। अब जॉश की हिम्मत को टेस्ट करने के लिए फ्रांसिस उसको निशाने की प्रैक्टिस कराने लगता है। फ्रांसिस उस सीन में अपने बचपन और अपने डैड को याद करने लगता है कि कैसे वो उसको टॉर्चर करके शिकार करना सिखाते थे, जिस चीज में वो इतना ज्यादा खो जाता है कि वो जॉश को भी उसी तरह से टॉर्चर करने लगता है। अब गोलियों की आवाज सुनकर आयरिस और लूकस भी वहां पर पहुंच जाते हैं, जो फ्रांसिस को जॉश के साथ ज्यादती करते हुए देख लेते हैं। लेकिन इससे पहले आयरिस फ्रांसिस को रोक पाती, वहां पर गोलियों की आवाज की वजह से ज़ॉम्बी खींचे चले आते हैं, जिनसे बचने के लिए फ्रांसिस सबको घर के अंदर ले आता है। और यहां पर हम देखते हैं कि ये ज़ॉम्बीज फ्रांसिस के इकलौते सेफेस्ट हाइडआउट पर हमला कर देते हैं। फ्रांसिस समझ चुका था कि शायद अब वो अपनी फैमिली को इन ज़ॉम्बी से बचा नहीं पाएगा, लेकिन तभी हम किसी को देखते हैं जो फ्रांसिस के घर के सामने खड़ा होकर कार का हॉर्न बजा रहा होता है, जिससे सारे ज़ॉम्बीज जो पहले फ्रांसिस की फैमिली के पीछे पड़े थे वो उसके पीछे जाने लगते हैं, जहां आगे जाकर हमको ये पता चलता है कि फ्रांसिस और उसकी फैमिली को बचाने वाला डियागो है, जो असल में फ्रांसिस का भाई है। फ्रांसिस और डियागो एक दूसरे से मिलते हैं, जहां पर डियागो एक्सपेक्ट करता है कि फ्रांसिस उसका शुक्रिया अदा करेगा उसकी फैमिली को बचाने के लिए, लेकिन फ्रांसिस पुरानी बातों को लेकर इतना ज्यादा नाराज होता है कि वो डियागो को कन्फ्रंट करने लगता है। यहां पर हमको इन दोनों के डिफरेंसेस के दो वजह समझ में आती है। पहली वजह तो ये है कि शायद डियागो का फ्रांसिस की वाइफ आयरिस से अफेयर है, जबकि दूसरी वजह ये है जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो जुड़ा है इन दोनों के बचपन से। फ्रांसिस के डैड डियागो के स्ट्रॉन्ग होने की वजह से उसको ज्यादा पसंद करते थे, जिस बात का फ्रांसिस को आज भी अफसोस है और वह इस बात का जिम्मेदार डियागो को मानता है। डियागो फ्रांसिस से कहता है कि हमको नॉर्थ की तरफ जाना चाहिए, लेकिन फ्रांसिस डियागो को मना कर देता है, जिस पर डियागो उसको समझाने की कोशिश करता है कि तुम ज्यादा दिनों तक अकेले अपनी फैमिली का ध्यान नहीं रख पाओगे, लेकिन फ्रांसिस अपने जिद पर अड़ा रहता है। पर फिर भी डियागो उसको नॉर्थ जाने का, जहां पर वो खुद जा रहा है वहां का मैप देकर चला जाता है। अब ये बात तो फ्रांसिस भी जानता था कि उसको डियागो या फिर किसी और की जरूरत तो पड़ेगी, क्योंकि जॉश और लूकस अभी बहुत छोटे हैं जो उसकी मदद नहीं कर सकते हैं। उधर फ्रांसिस घर पहुंचकर आयरिस से झूठ बोल देता है कि मेरे वहां पहुंचने से पहले ज़ॉम्बीज ने डियागो को मार दिया था, जिसके बाद अब वो अपने इसी घर को और भी ज्यादा प्रोटेक्ट करने में लग जाता है। वो विंडोज, एक्स्ट्रा डोर्स सबको सील कर देता है ताकि कोई ज़ॉम्बी उसको तोड़कर अंदर ना आ सके, जिस वजह से आयरिस और भी ज्यादा परेशान होना शुरू हो जाती है। इधर जॉश भी फ्रांसिस के पास उस मैप को देख लेता है जिसे उसको डियागो ने दिया था, लेकिन अभी भी फ्रांसिस अपनी फैमिली को यहीं इस घर में रखने की जिद पर अड़ा हुआ था। पर ऐसा होता भी कब तक, क्योंकि सच में अब इनके पास इनकी फूड सप्लाईज खत्म हो रही थी। यही आयरिस का सबसे बड़ा कंसर्न था, जहां फ्रांसिस जानबूझकर इनको ये एहसास दिलाने की कोशिश करता है कि बाहर बहुत ज़ॉम्बीज हैं और बाहर जाने में बहुत खतरा है, जिस वजह से आयरिस और फ्रांसिस में बहस हो जाती है और जिसका फ्रांसिस को डर था वही हो जाता है। आयरिस फ्रांसिस को बोलती है कि वो उसके साथ अब और रहना नहीं चाहती है। जॉश भी मैप वाली बात अपनी माँ को बता देता है। आयरिस फ्रांसिस से मैप मांगती है कि मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ सिर्फ अपनी फूड सप्लाईज के लिए और उनको लेकर मैं वापस आ जाऊंगी,
लेकिन फ्रांसिस सबके सामने उस मैप को जला देता है। फ्रांसिस ये जानता था कि अगर आयरिस यहाँ से गई तो वो वापस कभी नहीं आएगी। वो ये बात अपने बच्चों से बताता है कि उसकी माँ उन्हें इस आउटब्रेक के पहले भी छोड़ने वाली थी क्योंकि वो डियागो के साथ जाना चाहती थी। इस बहस से ये फैमिली जो अभी तक हमको नॉर्मल नजर आ रही थी देखकर समझ आ जाता है कि ये बस टूटने की कगार पर है। फ्रांसिस अपनी अजीब सी जिद इन सब पर थोप रहा है जबकि आयरिस और अब जॉश भी फ्रांसिस से बहुत दूर होते जा रहे हैं, जिसके बाद आगे कहानी में हम देखते हैं कि फ्रांसिस को दूर कहीं पर बहुत सारे गनशॉट्स की आवाज आती है जिसको सुनकर वो जल्दी से वापस अपने घर आता है और उसको सील करने लगता है कि तभी हमें इनके दरवाजे पर किसी के नॉक करने की आवाज आती है। आयरिस बोलती है कि हमको दरवाजा खोलकर देखना चाहिए, कोई हमसे मदद मांग रहा है, लेकिन फ्रांसिस किसी को भी दरवाजा खोलने के लिए मना कर देता है। वो बोलता है कि हो सकता है कि आदमी इन्फेक्टेड हो, पर जोशुआ फ्रांसिस से बचकर दरवाजे को खोल देता है। वो आदमी एक सोल्जर है जिसे कुछ चोट लगी है। वो इनको बताता है कि वो नॉर्थ के डेल्टा कैंप से आया है जिसके बारे में इन्हें डियागो ने बताया था। वो सोल्जर उनको ये भी बताता है कि उसे यहाँ का रास्ता डियागो ने बताया है, जिसको सुनकर आयरिस समझ जाती है कि फ्रांसिस ने उन्हें झूठ बोला है। फ्रांसिस अभी भी उस सोल्जर की मदद नहीं करना चाहता था, लेकिन आयरिस और जॉश उसकी हेल्प करते हैं और उसे अपने घर में रहने की जगह देते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमको फ्रांसिस की मेंटल स्टेबिलिटी थोड़ी सी हिली हुई दिखती है। वो हर चीज अब इन पर थोप रहा है जैसे कि वो अपने साथ हुए बचपन के ट्रॉमा का बदला ले रहा हो। यहाँ पर हमको एक और चीज ये भी पता चलती है कि जॉश फ्रांसिस का बेटा नहीं बल्कि डियागो का बेटा है और यही वो पास्ट है जिस वजह से आयरिस और फ्रांसिस का रिलेशन खराब चल रहा है। जॉश ये बात जानता था कि फ्रांसिस उसके फादर नहीं है, इसलिए वो अपनी माँ से जिद करता है कि मैं डियागो अंकल को ढूंढने बाहर जाना चाहता हूँ। उधर वो सोल्जर भी अब कुछ ठीक महसूस कर रहा होता है जिसका मतलब ये था कि वो इन्फेक्टेड नहीं है। उधर फ्रांसिस को ये मालूम हो जाता है कि जॉश यहाँ से भाग गया है, इसीलिए वो गुस्से में आकर उस सोल्जर को जान से मार देता है। वो आयरिस पर भी बहुत नाराज होता है, इसीलिए वो उसको भी मारने की कोशिश करता है जिसमें आयरिस बेहोश हो जाती है और जब उसकी आंखें खुलती है तो वो खुद को उसी बेसमेंट में पाती है जिसमें फ्रांसिस के डैड उसको कैद करके रखते थे। लूकस भी उसके साथ होता है। आयरिस फ्रांसिस से उनको आजाद करने की मिन्नत करती है, लेकिन फ्रांसिस अभी एक अलग ही फ्रांसिस के रूप में हमको दिखाई दे रहा था। वो एक मेनियक की तरह बिहेव कर रहा था, जिससे बचने के लिए आयरिस एक प्लान बनाती है। वो ल्यूकस की मदद से फ्रांसिस को उसी बेसमेंट में बुलवाती है, जिसके बाद वो धोखे से उसके ऊपर पीछे से वार करके उसे वहीं उस बेसमेंट में बंद करके बाहर भाग जाती है। फ्रांसिस उस बेसमेंट में चिल्लाता रहता है क्योंकि वो बेसमेंट वैसे भी उसको हॉन्ट करता है, जबकि उधर आयरिस ल्यूकस और कुछ सामान लेकर घर से भागने की तैयारी कर रही होती है। लेकिन जैसे ही वो घर का दरवाजा खोलती है उसके सामने एक ज़ॉम्बी खड़ा होता है जो उनको बार बार बस यही बोल रहा होता है कि रन। वो ज़ॉम्बी कोई और नहीं बल्कि डियागो होता है, लेकिन इससे पहले कि आयरिस वापस घर के अंदर जा पाती वो ज़ॉम्बी इनके ऊपर हमला कर देता है और घर के अंदर आ जाता है। इस अटैक में वो ज़ॉम्बी लूकस को घायल कर देता है। वो आयरिस को भी बस मारने वाला होता है कि तभी फ्रांसिस आकर उसको मार डालता है, जहां अब इन दोनों को ये पता चलता है कि ल्यूकस का हाथ इन्फेक्ट होना शुरू हो गया है, जिसको बचाने के लिए आयरिस उसके हाथ को काट देती है। ल्यूकस दर्द से तड़प रहा होता है। आयरिस फ्रांसिस को उनकी वैन लाने के लिए कहती है क्योंकि अगर ल्यूकस को अस्पताल नहीं पहुंचाया गया तो वो मर जाएगा। इसीलिए फ्रांसिस वैन लेने उसी ब्रिज पर पहुंचता है जहां पर उसको जॉश मिलता है जिसके हाथ में एक राइफल होती है, और अब इससे पहले फ्रांसिस जॉश को कुछ बोल पाता वो उसको शूट कर देता है। वो राइफल डियागो की थी जिससे फ्रांसिस की भी मौत हो जाती है, जहां बाद में जॉश रोता और पछताता हुआ उस वैन को लेकर घर की तरफ निकल जाता है जहां पर आयरिस और ल्यूकस फ्रांसिस का इंतजार कर रहे होते हैं, जिसके साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये आउटसाइड एक ज़ॉम्बी आउटब्रेक से ज्यादा फैमिली कोऑर्डिनेशन की कहानी थी जहां हर कोई अपनी जगह सही था। फ्रांसिस और आयरिस दोनों अपनी फैमिली को बचाना चाहते थे, लेकिन कमी इनके रिश्ते में सिर्फ भरोसे की थी जिसने फ्रांसिस की जान ले ली। वेल, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी फिलहाल आज के इस वीडियो में तो बस इतना ही, लेकिन हमेशा की तरह मिलेंगे आपसे एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर तब तक के लिए धन्यवाद।